खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है और इस वबा के बायस मौत में भी इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 101 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,834 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद बताएगा क्या वजूहत सामने आ रही हैं और तिब्बी माहरीन का क्या कहना है। बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस की तादाद में मुसलसल जो इजाफा देखने में आ रहा है। 5,834 नई केसेस के बाद अब तक मजमूई तौर पर जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो 1,19,536 हो चुकी है और नई अमवात जो रिकॉर्ड हुई है 101 हुई हैं, तो इसके बाद मजमूई तौर पर अब तक मुल्क भर में जो अमवात है इनकी तादाद 2,356 हो चुकी है। अभी भी इस वक्त भी मौजूदा सूरतहाल में भी 1,681 मरीज जो है तशवीशनाक हालत में मुबतला है और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह अब देखा जाए कि सुबह से कितने केसेस सामने आए हैं, तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो पंजाब का सूबा है, जहाँ से 45,463 मरीज अब तक जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं। इस तरह सिंध से 43,790 केसेस सामने आ चुके हैं और वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद जो जिसमें बहुत कम केसेस थे पहले, लेकिन उसमें भी आए रोज जो है केसेस में इजाफा देखने के आ रहा है और अब तक मजमूई तौर पर जो अच्छी हैं 236 केसेज अब तक इस्लामाबाद से जो है सामने आ चुके हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो 7,335 केसेज वहां से रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी 15,206 केसेज अब तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। आजाद कश्मीर से 488 और गिलगित बल्तिस्तान से 1,018 जो मरीज हैं अब तक जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं। अब तक जो रिकवरी का लेवल है वो अभी जो पहले बढ़ रहा था अभी वो भी कम होना शुरू हो चुका है और अब इस वक्त तक जो अब तक जो मजमूई तौर पर रिकवरीज हो चुकी हैं कोरोना के बाद वो 38,391 रिकवरीज हो चुकी हैं कोरोना से, वो मरीज जो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। अब देखा जाए कि कितने जो की बढ़ने का मजमूई तौर पर वजह क्या है, तो इसका जो मेन रीजन है वो एसओपीज की वॉयलेशन है। हर जगह देखा जाए तो हुकूमत तो सिर्फ एसओपीज वाजे करके लगता है खामोश हो चुकी है, क्योंकि कोई भी दिल्ली इंतजामिया की तरफ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और ना ही कोई जुर्माने, पहले शुरू में जुर्माने किए जा रहे थे। अगर बात की जाए सिर्फ इस्लामाबाद की तक तो इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर बहुत ज्यादा मुतहरक नजर आ रहे थे शुरू में, लेकिन पिछले गुजशत रोज तो एक असिस्टेंट कमिश्नर में भी कोरोना की तशखीस हो चुकी है और अब तक जो केसेज की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और कोई भी दिल्ली इंतजामिया की तरफ से कोई भी नई दुकान और नई प्लाजा या कोई भी शॉपिंग मॉल जो नया सील नहीं किया गया एसओपीज के वायलेशन के ऊपर। लेकिन अब ये चीज वास्ते कहना यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एसओपीज की वायलेशन बढ़ने से जारी है और रोजाना की बुनियाद पर काफी यहाँ पे जमघटा लगा होता है। अगर देखा जाए शॉपिंग मॉल से देखा जाए तो ऐसे कई लोग आते हैं जिन्होंने खरीदारी नहीं करनी होती लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर जिले इंतजामिया की तरफ से या फिर वहाँ पे जो शॉपिंग मॉल की इंतजामिया है उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिस वजह से काफी जो है हजूम लगा रहता है और उसके बाद कोरोना के केसेस जो बढ़ने का मेन बाइस ये है। इसी तरह का बाकी देखा जाए हॉस्पिटल की सुविधा देखा जाए तो हॉस्पिटल में मरीज जो ओपीडीज तो बंद हो चुके हैं लेकिन इमरजेंसी तक जो महदूद हैं वहाँ पर भी लोगों की लाइनें लगी हैं जो कि इंतजार में होते हैं कि हमें पर्ची बना दी जाए इसके बाद हम जाके कोरोना का टेस्ट करवाएं, तो वहाँ पर जो मरीजों की तादाद है वो भी वैलेशन करती नजर आती है। इवन अस्पताल की सतह पर अभी जो है कोई किट्स फराम नहीं की गई, जो वहाँ पर तिबी अमला काम कर रहे हैं उनमें भी बहुत महदूद लोग हैं जिनके पास जो निजी जो एनजीओज हैं वो उनको किट्स हैं वो उनको फराम कर रहे हैं, बाकी जो मरीज वहाँ पर मौजूद हैं उनके नाम से तो मास्क नहीं पहना चाह रहा, जो कि एक बुनियादी वजह है कि कोरोना के फैलाव को जिससे हम रोक नहीं पा रहे। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी।